गाजीपुर से अजय कुमार सीनियर रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे ब्रजेश पाठक। शहर के लंका मैदान में हुई बीजेपी की चुनावी सभा। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस की सोच हमेशा देश को कमजोर बनाने वाली है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये विघटनकारी शक्तियों को प्रमोट करते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सैम पित्रोदा ने रणवीर के आधार पर जिस तरह देश को वर्गीकृत किया वो निंदनीय है, कांग्रेस सरकार को इसका खमियाजा भुगतना होगा। ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी से अपराधियों का पूरी तरह सफाया हो गया है। ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि गाजीपुर लोकसभा सीट बीजेपी बड़े अंतर से जीत रही है। ब्रजेश पाठक बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में सभा करने गाजीपुर पहुंचे थे। शहर के लंका मैदान में बीजेपी की चुनावी सभा हुई। सभा को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, यूपी के मंत्री गिरीश चंद्र यादव, रविन्द्र जायसवाल, संजय निषाद, दयाशंकर सिंह और दयाशंकर मिश्र ने संबोधित किया। सभा से पूर्व बीजेपी नेताओं ने शहर में रोड शो किया, जिसके पूर्व बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय ने नामांकन किया। पारसनाथ राय गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय पारस राय जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने अपना उन्हें आशीर्वाद दिया है। मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बना ली है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। जिस ढंग से आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लाखों नौजवानों को पढ़ा लिखा करके देश सेवा के लिए तैयार किया है। लोगों का मानना है कि पारस राय जी सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं और एक तरफा वो गाजीपुर में जीत रहे। इनकी जीत लाखों के अंतर के साथ होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की नीति है, हम अपराध और जीरो अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे और अपराधियों को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया है। अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश के बाहर। मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा देश को कमजोर करने वाली है, विघटनकारी शक्तियों को प्रमोट करते हैं। स्वयं पित्रोदा ने रंग भेद के आधार पर भारत को जिस ढंग से वर्गीकृत किया है ये बहुत ही निंदनीय है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या बताएंगे, आज वीडियो बना लिया में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद है और आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का दिन है, शिवाजी महाराज की का जन्मदिन है, परशुराम जयंती है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने जो आशीर्वाद दिया है वो अक्षुण्ण आशीर्वाद है, उसके सामने अब कुछ बचता नहीं है उस आशीर्वाद के सामने। और आज नामांकन के अवसर पर आशीर्वाद देकर उन्होंने सबको आशीर्वाद दे दिया, गाजीपुर की पूरी जनता को। सर, एक 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 भारतीय जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं अफजाल अंसारी, उनका कहना है कि 40 साल से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में हूं और इस बार जो है ऐतिहासिक जीत जीतेंगे, क्या लगता है? 40 साल में वो राजनीतिक क्षेत्र में है, ये बात मैं रोज कह रहा हूं। इस अपनी बुरी परिस्थिति में अब उनके स्थान पर कौन लड़ेगा ये अभी निर्णय नहीं कर पाए हैं। 40 साल तो जरूर है, लेकिन अपनी बेटी के अलावा कोई तीसरा नाम उनको जो 40 साल राजनीति में रहे एक भी कार्यकर्ता न खड़ा करे जो उसका स्थानापन्न हो सके, इससे खराब बात क्या होगी। यह परिवारवाद का घृणित नमूना। आपको क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे होगी? अब तो लगता ही नहीं कुछ किससे लड़ाई होगी, आज आपने देख ही लिया। हमको भी पहले लगता था, लेकिन आज जो जनता ने एक सामान्य व्यक्ति को जो आशीर्वाद दिया है गाजीपुर की जनता में, उसमें अब आप ही निर्णय करिए किससे लड़ाई है किससे नहीं। बसपा के लोग एक तरफ असल माफिया, नकल माफिया। अब छोड़ दीजिए ये सब कहना, तो बहुत अब ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सर, कितने सीटों में आज नामांकन आपने दाखिल किया है? तीन सीटों में दाखिल। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।